नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज हो चुका है और भारतीय टीम के लिए यानी कि भारतीय दल के लिए भी ये आगाज सुखद नजर आ रहा है। दूसरे दिन भारत ने अपनी मेडल टैली में मेडल्स की शुरुआत की और मेडल का सिलसिला शाम होते होते थमा नहीं। भारत ने अभी तक कुल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 4 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो आइए आपको बताते हैं भारत के लिए किस किस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीते हैं। अभी ये चारों ही मेडल भारत को वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। सबसे पहले मेडल की अगर बात करें तो भारत को सबसे पहला मेडल सिल्वर मेडल के रूप में मिला, जो कि जीता संकेत महादेव सरगर ने। संकेत महादेव सरगर ने भारत के लिए मेडल की शुरुआत की। उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता और देश के नाम किया। इसके बाद भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का अपना पहला गोल्ड मेडल भी जीत लिया। वेट लिफ्टिंग में ही मीराबाई चानू ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मीराबाई चानू ने 49 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। आपको ये भी बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद भारत को तीसरा मेडल भी वेट लिफ्टिंग से ही मिला। तीसरा मेडल भारत को दिलाया है गुरुराजा पुजारी ने। गुरुराजा पुजारी ने मेंस वेट लिफ्टिंग 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 118 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम भार उठा करके कुल 269 किलोग्राम का वजन उठाया और कांस्य पदक अपने नाम किया। कल के ही दिन रात होते होते भारत को वेट लिफ्टिंग से ही अपना चौथा मेडल भी मिल गया। बिंदिया रानी देवी ने विमेन्स 55 केजी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 23 साल की बिंदिया रानी देवी ने स्नैच में 86 केजी वजन उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में उन्होंने कुल 116 किलोग्राम वजन उठाया। इसी के साथ ही बिंदिया रानी ने भी देश को सिल्वर मेडल जिताया। यानी कि अभी तक भारत ने 4 मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में और चारों ही मेडल वेट लिफ्टिंग से आए हैं, जिसमें मीराबाई चानू ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब इन 4 मेडलों के साथ भारत अब मेडल टैली में 8वें नंबर पर आ गया है। इन 4 मेडलों में भारत के पास 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। आने वाले दिनों में भारत को और भी कई सारे मेडल्स के आने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।